हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आसाम राइफल रिक्रूटमेंट 2023 की। तो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 81 वैकेंसी यहाँ निकाली गई है। ये वैकेंसी निकाली गई है फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। तो यहाँ पर यदि आपने फुटबॉल खेला होगा या फिर एथलेटिक्स या फिर आर्चरी या फिर रोविंग या फिर पेनेक सिलेट या फिर क्रॉस कंट्री, बॉक्सिंग पोलो, सेपक टकरा या फिर बैडमिंटन, ये स्पोर्ट्स में से आपने कोई भी स्पोर्ट्स खेल रखा होगा, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या फिर आपकी इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में या फिर अखिल भारतीय यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में आपने पार्टिसिपेशन भी किया होगा और आपने खेला होगा, आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, बिल्कुल एलिजिबल हो। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको 30 जुलाई ये लास्ट डेट दे रखी है और यहाँ पे 100 रुपये लगने वाले हैं जनरल और ओबीसी कैटेगरी को अप्लाई करने के लिए। लेकिन जो एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं करना है। अब ये पेमेंट के लिए आपको इन्होंने अकाउंट नंबर, इनका आईएफएससी कोड, ब्रांच का नाम, हेडक्वार्टर का नाम, सब इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन जो करना है उसकी लिंक, ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। 30 जुलाई अप्लीकेशन की लास्ट डेट है। एज लिमिट की बात की जाए तो 10th पास एलिजिबल है और यहाँ पर 18 से लेकर 26 साल तक का एज लिमिट दे रखा है और यहाँ पर एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। यहाँ पर 30 जुलाई 2023 तक आपका एज काउंट किया जाने वाला है। तो इस प्रकार यहाँ पर 7 अगस्त को आपका ये रिक्रूटमेंट का रैली रहने वाला है, 7 अगस्त 2023 को। तो 7 अगस्त को आपको चले जाना है वहाँ पे और आपका वहीं पे सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो आपका वो सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर एक वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा कम्प्लीट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा, आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियो से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।